नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 10 अक्टूबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नवरात्र के मौके पर चलेगा बिहार में टीकाकरण का विशेष अभियान। 20 फीट से ऊंची नहीं होगी मां की प्रतिमा। त्योहार के सीजन में दिल्ली से पटना आना हुआ आसान। बीएसईबी डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा के लिए लेट फीस के साथ फॉर्म भरने का मिला। सभी जिलों में कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय खोलने का जारी हुआ आदेश। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसईबी डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा के लिए लेट फीस के साथ फॉर्म भरने का मिला मौका। बीएसईबी डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा के लिए लेट फीस के साथ फॉर्म भरने का मौका छात्रों को दिया गया है, जिसके तहत प्रशिक्षण सत्र 2020-22 के प्रथम वर्ष और सत्र 2019-21 के द्वितीय वर्ष का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ 8 अक्टूबर 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक भरने का मौका दिया गया है। बिहार बोर्ड की तरफ से जारी सूचना के अनुसार इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन भरे गए परीक्षा फॉर्म के आधार पर डमी एडमिट कार्ड 12 अक्टूबर 2021 तक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर अपलोड रहेगा। नवरात्र के मौके पर चलेगा बिहार में टीकाकरण का विशेष अभियान। बिहार सरकार ने 6 महीने में 6 करोड़ डोज लगाने का दावा किया था, जो कि अब सच हो गया है, क्योंकि बिहार सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ टीका लगाने का काम भी कर रही थी। यही कारण है कि गांधी जयंती पर आयोजित विशेष टीकाकरण अभियान के बाद बिहार में 2 दिवसीय टीकाकरण की फिर से शुरुआत की गई है, जिसके तहत बीते दिन यानी कि 9 अक्टूबर को टीकाकरण का विशेष अभियान तो चलाया गया ही, अब सोमवार यानी कि 11 अक्टूबर को भी विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी 38 जिलों को 2 तारीख में सुविधानुसार विशेष टीकाकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। कृषि विज्ञान केंद्र ने सुविधा बढ़ाए जाने की उठाई मांग। बीते दिन बिहार के कृषि विज्ञान केंद्र ने अपनी सुविधा बढ़ाए जाने की मांग की है। इसको लेकर बिहार कृषि विश्वविद्यालय में प्रचार परिषद की बैठक का आयोजन करवाया गया था। आयोजित करवाए गए बैठक में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने सुविधाओं को बढ़ाने की मांग की। हालांकि इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम समन्वयकों ने कहा कि उन लोगों का काम पहले से काफी बेहतर ढंग से चल रहा है, कुछ सुविधाएं और बढ़ा दी जाएं तो उनके जिला के किसानों को और ज्यादा लाभ होगा। ज्ञात हो, इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ आरके सोहाने, बीएयू के प्रभारी कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार सहित कई अन्य पदाधिकारी और किसान उपस्थित थे। पटना एम्स में अब होगा आयुर्वेदिक इलाज भी। कोरोना काल में आयुर्वेद बड़ा तंत्र बनकर सभी आम लोगों की जिंदगी में आया है। ऐसे में काफी लोग अब आयुर्वेद को अपना रहे हैं। इसी कड़ी में पटना एम्स में भी अब आयुर्वेदिक इलाज की शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर पटना एम्स की आयुर्वेद की ओपीडी का शुभारंभ कर दिया गया है। अब मरीजों को ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके बाद इलाज किया जाएगा। इसको लेकर पटना एम्स के आयुर्वेद विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कि हर तरह की मर्ज का इलाज आयुर्वेद ओपीडी में होगा। इसमें आयुर्वेद विभाग के एचओडी डॉक्टर अजीत कुमार का कहना है कि औषधि विभाग में 135 तरह की औषधि है, जो लोगों के लिए बेहद ही सहायक है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे सुरेंद्र झा सुमन की। सुरेंद्र झा सुमन का जन्म आज ही के दिन बिहार के समस्तीपुर जिले के बल्लीपुर नामक गांव में हुआ था। सुरेंद्र झा सुमन एक मैथिली कवि, लेखक, प्रकाशक, संपादक और विधानसभा और संसद के निर्वाचित सदस्य थे। उन्हें प्रकाशक, संपादक, पत्रकार, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारक और मिथिला संस्कृति के प्रवर्तक के रूप में उनकी भूमिका के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने मैथिली में लगभग 40 पुस्तकें लिखी हैं और मैथिली, संस्कृत और हिंदी में विभिन्न प्रकाशनों और पुस्तकों के संपादक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में विभिन्न क्षमताओं में विभिन्न साहित्य और शैक्षणिक संस्थाओं के शासी निकायों की सेवा की। उन्हें पायस्विनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और अनुवाद रविंद्र नाटकावाली खंड के लिए प्राप्तकर्ता भी मिला था। बिहार से अभी नहीं होगी मॉनसून की विदाई। बिहार से मॉनसून की विदाई जहां कई लोग तय मान रहे थे, वहीं अब मौसम वैज्ञानिकों ने इसकी विदाई में देरी की आशंका जताई है। यही कारण है कि मौसम वैज्ञानिकों ने बिहार के कई इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और मध्य बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं प्रदेश के पश्चिमी भाग में मौसम का मिजाज सामान्य रहेगा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि प्रदेश से मॉनसून को पूरी तरह से लौटने में अभी लगभग 15 दिनों का समय लगेगा। दशहरा के आसपास प्रदेश का मौसम सामान्य रहेगा, ठंड का प्रभाव भी धीरे धीरे बढ़ेगा। बिहार में बुजुर्गों का अब प्राथमिकता के आधार पर होगा टीकाकरण। बिहार सरकार बिहार की सभी आबादी का टीकाकरण करवाने का संकल्प ले चुकी है। इसी बीच अब बिहार सरकार ने प्रदेश में बुजुर्गों और दिव्यांगों को भी प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करने का संकल्प लिया है। इसको लेकर बिहार सरकार ने खास रणनीति भी बना ली है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह के हवाले जारी पत्र में कहा गया है कि बिहार में करीब 23.31 लाख दिव्यांग है, वहीं 70-80 आयु वर्ग के लोगों की संख्या करीब 63 लाख है। इसके साथ ही
80 से अधिक आयु के लोगों की संख्या 12 लाख के करीब बताई गई है। ऐसे में जिलों को जारी पत्र में निर्देश दिया गया है कि सभी आंकड़ों को सूचीबद्ध करते हुए इनके टीकाकरण की प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था की जाए। इसके लिए मोबाइल टीका वैन और आशा कार्यकर्ताओं की मदद लेने को भी कहा गया है। कलाकृतियों को मिलेगा सम्मान। बिहार के शिल्पियों की कलाकृतियों को जल्द ही सम्मानित किया जाना है। इसको लेकर बिहार में तैयारियां भी शुरू हो गई है, जिसके तहत ही उद्योग विभाग अंतर्गत उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की तरफ से साल 2020-21 को लेकर राज्य पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जो कि 15 नवंबर से 24 नवंबर तक होगा, जिसमें राज्य के परंपरागत हस्तशिल्पी भाग लेंगे, जिसके बाद प्रतिभागी शिल्पियों द्वारा निर्मित नमूनों में 20 उत्कृष्ट नमूनों का चयन राज्य पुरस्कार के लिए और 20 नमूनों का चयन राज्य मेधा पुरस्कार के लिए होगा। ध्यान रहे, अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो ऐसे में सभी प्रतिभागी अपना आवेदन पत्र भरकर शिल्प अनुसंधान संस्थान को 12 नवंबर तक भेज सकते हैं, जिसके बाद ही चयनित शिल्पियों को पुरस्कृत किया जाएगा। की लड़कियों को स्टार होटल में मिली नौकरी। बिहार समाज कल्याण के शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियों को विभाग ने आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया था, जो कि अब पूरा हो गया है, जिसको लेकर ही विभाग ने 20 लड़कियों को बैंगलोर में उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए भेजा था। विभाग का यह प्रयास सफल हुआ। शेल्टर होम की 10 लड़कियों को होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद अच्छी नौकरी मिल गई है। इसको लेकर बिहार सरकार के समाज विभाग के निदेशक राजकुमार ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि 4 लड़कियों का चयन रेडिसन समूह के होटल द्वारा किया गया है। यूरेंडियन एकेडमी में प्रोफेशनल के साथ काम करेंगी। 2 अन्य को भी एक और अच्छे होटल में प्लेसमेंट मिला है। 20 फीट से ऊंची नहीं होगी मां की प्रतिमा। दुर्गा पूजा का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में बिहार में जगह जगह मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना भी की गई है। हालांकि कई पंडाल ऐसे भी हैं जहां अभी भी मां दुर्गा नहीं आई हैं। ऐसे में प्रशासन ने दुर्गा पूजा को लेकर नए नियमों को जारी किया है, जिसके तहत ये साफ कहा गया है कि दुर्गा माता की कोई भी प्रतिमा 20 फीट से ऊंची नहीं होगी। पंडाल के लिए अधिकतम ऊंचाई 40 फीट तय की गई है। उससे ज्यादा ऊंचा पंडाल बनाने पर जिला प्रशासन रोक लगा सकता है। परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार घोष का कहना है कि ज्यादा ऊंची प्रतिमा निर्माण करने पर ज्यादा सामग्री का उपयोग किया जाता है, इसीलिए छोटी मूर्ति ही बनाई जाए। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने इसके साथ ही मूर्तियों का विसर्जन भी नियमों के अनुसार करने की बात कही है, जिसके तहत मूर्तियों के विसर्जन के लिए राज्य में अस्थायी तालाब बनाए जाएंगे। आज होने वाले प्री एग्जाम को लेकर टॉपर शुभम ने दिए टिप्स। यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इतना ही नहीं, आज के समय में वो कई युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है, जिसके तहत उन्होंने अपनी तैयारी कैसे की ये सवाल यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होने वाले हर छात्र के मन में आता होगा। इसी कड़ी में अब आज होने वाले प्री एग्जाम को लेकर शुभम ने अपना गुरु मंत्र दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि चाहे तैयारी हो या फिर एग्जाम, अंतिम समय काफी निर्णायक होता है। इस समय कोई नया काम नहीं करना है, लास्ट डे अधिक नहीं पढ़ना है, पूरी तरह से रिलैक्स रहना है। एग्जाम के पहले रात में अच्छी नींद जरूरी है, जिससे मॉर्निंग में आप एग्जाम देते समय फ्रेश महसूस करें। अगर किसी कारण से अच्छी नींद नहीं आई तो मॉर्निंग में इस पर ध्यान नहीं देना है। ऐसा सोचना है कि मैं अच्छी तरह से सो चुका हूं और मेरा ब्रेन पूरी तरीके से लाइट है, मैं एग्जाम में अच्छे से शामिल होने को लेकर तैयार हूं। बीपीएसएससी ने जारी किया बिहार पुलिस इन्फोर्समेंट दरोगा का रिजल्ट। बीते दिन बीपीएसएससी ने बिहार पुलिस इन्फोर्समेंट दरोगा के रिजल्ट की घोषणा कर दी है, जिसमें कुल मिलाकर 1493 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है। ज्ञात हो, पहले चरण की प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 6 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट जनवरी में प्रकाशित किया गया था। वहीं प्रारंभिक परीक्षा में सफल 4599 अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा का आयोजन 29 अगस्त 2021 को किया गया था। इस परीक्षा में कुल 1493 उम्मीदवारों में से 1000 पुरुष उम्मीदवार और 493 महिला उम्मीदवारों का चयन हुआ है। अगर आपने अब तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो आप भी अब www.bpssc.bih.nic.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। पंचायत चुनाव में लगे कर्मियों को वापस बुलाया जाएगा अब थाने। बिहार में जहां एक तरफ पंचायत चुनाव की धूम है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर भक्तिमय नजर आ रहे हैं, जिसके कारण पंडालों के आसपास लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। हालांकि इस दौरान लोगों को भीड़ नहीं लगाने की नसीहत तो दी गई है, लेकिन ऐसा हो यह कहना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में अब सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के लिए पंचायत चुनाव में तैनात पुलिसकर्मियों को वापस थाने बुलाए जाने की तैयारी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस मुख्यालय ने यह निर्देश जारी कर दिया है, क्योंकि अब चौथे चरण का मतदान 20 अक्टूबर को होना है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने दुर्गा पूजा के मद्देनजर सभी पुलिसकर्मियों को अपना थाना क्षेत्र में वापस बुलाने का फैसला लिया है। दुर्गा पूजा के दौरान पूरी तरीके से है अलर्ट स्वास्थ्य विभाग।
दुर्गा पूजा को लेकर भले ही बिहार में मेले का आयोजन नहीं हो रहा हो, लेकिन पंडाल लगाने की अनुमति दे दी गई है। ऐसे में अष्टमी नवमी के दिन भीड़ बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने आश्वस्त किया है कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य विभाग दुर्गा पूजा को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है। इस बात की जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी ने बताया कि राज्य को आगामी 3 महीने के लिए कोरोना के दृष्टिकोण से अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। बिहार सरकार ने सभी जिलों के सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिए हैं कि पूजा पंडाल के समीप अस्थायी कोरोना जांच केंद्र और टीकाकरण केंद्र बनाए जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहे हैं, ऐसे में कोरोना एक बार फिर न फैले, इसको लेकर पुख्ता तैयारी करने का निर्देश भी दिया जा चुका है। यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना अब होगा महंगा। अगर आप भी पटना यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने की सोच रहे हैं तो आपकी जेब अब ढीली होने वाली है, क्योंकि एकेडमिक काउंसिल में बनी सहमति के अनुसार जितनी फीस वर्तमान में है उससे दोगुनी से भी अधिक ली जाएगी। हालांकि फीस स्ट्रक्चर अभी तय नहीं है, लेकिन जल्द ही उसे तय करके जारी कर दिया जाएगा। इसके पीछे का तर्क ये दिया गया है कि वर्तमान में जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफी पुराना है। गौर करने की बात यह है कि अब तक जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसके अनुसार वर्तमान में जिस रजिस्ट्रेशन और कोर्स वर्क की फीस 2,000 रुपए है उसे 5,000 तक और थीसिस सबमिशन के लिए 5,000 की जगह 10,000 से 15,000 तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। योजना में अब नहीं होगी धांधली। सरकारी योजना जितनी लोगों के लिए फायदेमंद होती है उतनी ही इसमें धांधली करने वालों की संख्या भी देखने को मिलती है, लेकिन अब ऐसा नल जल योजना के साथ नहीं हो सकेगा, क्योंकि बिहार सरकार योजना की निगरानी के लिए 20 जिलों में तैनात फील्ड मैनेजर को तैनात करने का काम करने वाली है। इसको लेकर फील्ड मैनेजर को जिम्मेदारी सौंपने का काम कर दिया गया है, जिसके तहत अब इन्हें ही सभी लाभुकों के घर में जाकर फीडबैक लेना है। इतना ही नहीं, अब फील्ड मैनेजर की यह भी जिम्मेदारी होगी कि योजना के मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत बने सभी नियमों का पालन करवाए, ताकि योजना में लाभुक एजेंसी विभाग के अधिकारी मिलजुल कर काम कर सके और योजना में खराबी आने पर उसे तुरंत ठीक किया जा सके। सभी जिलों में कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय खोलने का जारी हुआ आदेश। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय खोलने को लेकर बीते दिन सभी जिलों में सीएम नीतीश ने अपना निर्देश जारी कर दिया है। इसको लेकर बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान बैठक में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव पंकज कुमार ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी, जिस पर सीएम नीतीश ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीजन में दिल्ली से पटना आना हुआ आसान। अक्टूबर महीने के शुरू होते ही बिहार में त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है और ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की सूची भी लंबी हो जाती है। इसी कड़ी में अब यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 10 स्पेशल ट्रेनों को दिल्ली से बिहार के बीच चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अगर आप भी अब घर आने की सोच रहे हैं तो आप आनंद विहार मुजफ्फरपुर, आनंद विहार टर्मिनल, फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, आनंद विहार मुजफ्फरपुर फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन, मुजफ्फरपुर आनंद विहार फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, नई दिल्ली दरभंगा फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, दरभंगा नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल, नई दिल्ली बरौनी सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, बरौनी नई दिल्ली सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, आनंद विहार सहरसा फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, सहरसा आनंद विहार फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में टिकट करवा सकते हैं। अकेडमी की परीक्षा में फेल अभ्यर्थियों की बढ़ सकती है मुश्किलें। बीते कई दिनों से मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि एकेडमी की परीक्षा में फेल को भी दरोगा बनाया गया है। बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में 1581 अवर निरीक्षक पास आउट हुए हैं, जिन्हें प्रोबेशन पीरियड के तौर पर जिलों में तैनात किया गया है। हालांकि इन सबके बीच चौंकाने वाला तथ्य ये सामने आया है कि इनमें से करीब एक चौथाई दरोगा ऐसे हैं जिन्होंने दरोगा की अंतिम परीक्षा पास ही नहीं की है। ऐसे में हिन्दुस्तान की खबर के अनुसार ऐसे अभ्यर्थियों को 2 पूरक परीक्षाओं के माध्यम से पास होने का मौका दिया जाएगा। इसमें पास होकर पूर्ण रूप से सेवा दे सकेंगे। अगर दोनों परीक्षाओं में वो दोबारा फेल हो जाते हैं तो उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। राजद ने निकाली मन की भड़ास, विधानसभा चुनाव के कारण है मन में टीस। राजद और कांग्रेस भले ही आज एक दल का हिस्सा है, लेकिन दोनों के बीच का मतभेद अब जग जाहिर है। इसी बीच अब राजद ने अपने मन की भड़ास निकाली है, जिसके तहत राजद प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि पिछले साल संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में हमने कांग्रेस को 70 सीटें दी थी। कांग्रेस के उम्मीदवार आधे पर भी जीत दर्ज नहीं कर पाए थे। कुशेश्वर स्थान पर तारापुर में होने वाले उपचुनाव में राजद के लड़ने की बात हमने कांग्रेस से पहले ही बताई थी। हमने बताया था कि दोनों सीट पर हमारा आधार है, इसलिए हमें लड़ने दे, पर पता नहीं कांग्रेस आलाकमान ने क्या निर्णय लिया। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कहा है कि कांग्रेस के अलावा महागठबंधन के तीनों घटक दलों ने राजद का समर्थन किया है। बिहार में महागठबंधन था और आगे भी रहेगा। 5 साल से
से छोटे बच्चों का आसानी से बनवाए राशन कार्ड। माता पिता भारत में नवजात शिशु के लिए बाल आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक बार जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसे अपना बायोमेट्रिक रजिस्टर कराना होगा। प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको नामांकन केंद्र पर उपलब्ध आवेदन पत्र को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और जन्म तारीख डॉक्यूमेंट जैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ भरना होगा। नामांकन फॉर्म भरने के बाद आपको कुछ डिटेल्स भी भरनी होंगी। आपको मोबाइल नंबर के साथ बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता में से किसी एक का आधार कार्ड नंबर भी प्रदान करना होगा। अब बच्चे की एक तस्वीर ली जाएगी। बच्चे के आधार कार्ड नंबर को उसके माता पिता के आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। पुष्टि होने के बाद माता पिता को पावती पर्ची कलेक्ट करनी होगी। तेजस्वी ने सरकार की नाकामियों से बिजली संकट गहराने की कही बात। देश के साथ साथ बिहार में भी बिजली संकट की खबर सामने आई है, जिसके बाद क्या था, विपक्ष को एक मुद्दा मिला और बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया। इसी मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बिजली संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जहां उन्होंने बीते दिन अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि बिहार में बिजली दर देश में सबसे अधिक होने के बावजूद सरकार की नाकामियों के चलते आगामी दिनों में बिजली संकट गहराएगा। डबल इंजन सरकार कांटी और बरौनी के बिजली घर भी बंद कर रही है। डबल इंजन सरकार से बिहार को ट्रिपल नुकसान हो रहा है और हर क्षेत्र में ट्रबल ही ट्रबल है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन 1910 में आज के दिन किया गया था। रोहिणी खादलकर राष्ट्रीय चेस प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला 1978 में बनी थी। भारत ने विश्व कैरम प्रतियोगिता का टीम खिताब 1991 में आज के दिन जीता था। भारत ने इसराइल रूस के साथ एवॉक्स निर्माण के लिए 2003 में समझौता किया था। भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार की घोषणा 2014 में आज के दिन की गई थी। भारत के प्रारंभिक कम्युनिस्ट नेताओं में से एक श्रीपाद अमृत डांगे का जन्म 1899 में आज के दिन हुआ था। भारतीय उपन्यासकार आर के नारायण का जन्म 1906 में आज के दिन हुआ था। बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा का जन्म भी 1954 में आज के दिन हुआ था। पद्मभूषण गजल सम्राट जगजीत सिंह का सोमवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल में 2011 में आज के दिन निधन हुआ था। बॉलर आकिब जावेद ने T20 विश्व कप में पाकिस्तान के हारने की कही बात। UAE में खेले जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग 2021 अब अपने आखिरी पड़ाव में है। इस टूर्नामेंट के खत्म होने के एक दिन बाद ही UAE और ओमान में T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है। इस वर्ल्ड कप में दुनिया भर के फैंस की निगाहें 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पर है। वहीं इस मैच को लेकर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज आकिब जावेद का मानना है कि अगर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में भारत को हराना है तो उसे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा। उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय टीम नॉर्मल गेम भी खेले तब भी पाकिस्तान को आसानी से हरा देगी। सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 9 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,170 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,000 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,800 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 106.94 रुपए प्रति लीटर और डीजल 99 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राम बहादुर प्रसाद, महेश कुमार, संजय कुमार, शशि कुमार, रविकांत प्रसाद, राजेश सोंथियाल, जूही प्रेमी, संतोष शर्मा, मनोज कुमार, नीतीश कुमार, रामबाबू कुमार, रंजन कुमार, कृंता गुप्ता, अमन सिंह, विकास कुमार सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार महिलाओं के उत्थान के लिए बिहार सरकार ने सराहनीय काम किया है या नहीं। अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।